दोस्तों, इग्नू यूनिवर्सिटी के अंदर जुलाई 2024 सेशन के एडमिशन फॉर्म यहाँ पे स्टार्ट हो गए हैं। अब आप अपना एडमिशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो कैसे आपको एडमिशन फॉर्म को फिल करना है, उससे जुड़ी हुई जानकारी मैं आपको इस वीडियो में शेयर करने वाला हूँ। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कैसे आप पीजी या फिर मास्टर प्रोग्राम के एडमिशन फॉर्म को फिल करेंगे, उससे जुड़ी हुई सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। साथ ही दोस्तों, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तो देखिए दोस्तों, एडमिशन फॉर्म को फिल करने के लिए सबसे पहले आपको करना क्या है, आपको अपना ब्राउजर ओपन कर लेना है, उसमें सर्च कर लेनी है यूनिवर्सिटी की मेन वेबसाइट। यूनिवर्सिटी की मेन वेबसाइट पर जाने के बाद अब देखिए, नोटिफिकेशन सेक्शन के अंदर हमें नोटिस मिल जाएगा जो कि फ्रेश एडमिशन रहेगा हमारा ओडीएल ऑनलाइन मोड फॉर जुलाई 2024 सेशन के लिए। साथ ही एडमिशन फॉर्म फिल करने के लिए हमें जाना होता है रजिस्टर ऑनलाइन के ऑप्शन पे। यहाँ पे हमें दो ऑप्शन मिलते हैं, फ्रेश एडमिशन, ऑनलाइन और डिस्टेंस। तो अगर आप ऑनलाइन प्रोग्राम करना चाहते हैं तो ऑनलाइन का ऑप्शन क्लिक कीजिएगा, डिस्टेंस से करना चाहते हैं ओडल प्रोग्राम करना चाहते हैं तो डिस्टेंस ऑप्शन क्लिक कीजिएगा। दोनों मोड का एडमिशन फॉर्म फिल करने का तरीका सेम रहने वाला है और लास्ट डेट भी सेम रहती है। अभी जो लास्ट डेट दी गई है यहाँ पे 30 जून रखी गई है, जो बाद में एक्सटेंड कर दी जाएगी। तो हम यहाँ पे फॉर्म फिल करने वाले हैं फ्रेश एडमिशन ओडल प्रोग्राम के लिए, यानी डिस्टेंस जो आप प्रोग्राम करना चाहते हैं उसके लिए कैसे आपको फॉर्म को फिल करना है। तो इसके लिए सबसे पहले करना क्या है, हम आ जाते हैं फ्रेश एडमिशन ओडल प्रोग्राम के पोर्टल पे। यहाँ पे देखिए आपको ऑप्शन मिल जाते हैं जुलाई 2024 एडमिशन साइकिल, जो कि लास्ट डेट रखी है 30 जून। साथ में स्कॉलरशिप के लिए आपको यहाँ पे लिंक मिल जाएगा, कैसे आपको फॉर्म को फिल करना है उसके लिए वीडियो मिल जाएगी हिंदी और इंग्लिश फॉर्मेट में। साथ ही इंस्ट्रक्शन मिल जाएगी कैसे आपको फॉर्म को फिल करना है और कैंसिलेशन के यहाँ पे जो प्रोसेस है, अगर आप एडमिशन कैंसिल कराते हैं तो उसके लिए भी यहाँ पे प्रोसेस मिल जाएगा, इंस्ट्रक्शन मिल जाएगी। साथ ही स्क्रॉल अप करते हैं, देखिए ऊपर ऑप्शन मिल जाते हैं रीजनल सेंटर के, जितने भी रीजनल सेंटर आपको सो जाएंगे। साथ में एडमिशन फी मिल जाएंगे, अगर एडमिशन के बारे में कुछ जानना चाहते हैं तो क्वेश्चन के साथ आंसर आपके यहाँ पे मिल जाएंगे। साथ में उसमें मिलता है प्रोग्राम इन्फॉर्मेशन, प्रोग्राम इन्फॉर्मेशन के अंदर आप किसी भी पीजी प्रोग्राम की यहाँ पे इन्फॉर्मेशन चेक कर सकते हैं, लाइक एमए, एमकॉम, एमएससी, जिसे भी प्रोग्राम को आप करना चाहते हैं उसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे चेक कर सकते हैं। उसका नेम सर्च कीजिए और उसके सब्जेक्ट हिसाब से आपकी इन्फॉर्मेशन आपके सामने आ जाएगी। डिटेल उसमें क्लिक करके आप उसकी डिटेल चेक कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए आपको एडमिशन फॉर्म फिल करने के लिए करना क्या होता है, सबसे पहले उसमें मिलता है यहाँ पे क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन, इस ऑप्शन में क्लिक कर लेना है। करते हैं रजिस्ट्रेशन स्टेप पे जाएंगे, यहाँ पे देखिए सबसे पहले हमें करना होता है रजिस्ट्रेशन फॉर्म को फिल। सबसे पहले आपको एक यूजर नेम यहाँ पे क्रिएट कर लेना है, जिसमें आप कोई भी यूजर नेम रख लीजिए जिससे आप लॉगिन करेंगे। तो मैं यहाँ पे अपना एक यूजर नेम सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद एप्लीकेंट का फुल नेम आपको यहाँ पे फिल कर लेना है, जो कि डॉक्यूमेंट बेस आपको यहाँ पे फिल करना है। एप्लीकेंट का ईमेल एड्रेस जो कि वर्किंग में चाहिए वो आपको यहाँ पे फिल कर लेना है। री एंटर करना है एप्लीकेंट का ईमेल एड्रेस। इसके बाद आपको एक पासवर्ड सेलेक्ट कर लेना है और फिर कंफर्म कर लेना है आपको अपना पासवर्ड। मोबाइल नंबर जो कि वर्किंग में चाहिए वही आपको यहाँ पे फिल करना है। री एंटर करना है आपको मोबाइल नंबर। इसके बाद हमें अपने यहाँ पे कैप्चा जो कि हमारा कैप्चा शो करेगा वो फिल कर लेना है और फिर रजिस्ट्रेशन क्लिक करना है। क्लिक करते ही देखिए हमारा रजिस्ट्रेशन प्रोसेस सक्सेसफुली शो कर जाएगा। अब हमें यहाँ पे लॉगिन करना होता है, तो जो आपने यूजर नेम और पासवर्ड सेलेक्ट किया थे वो आपको यहाँ पे यूजर नेम में यूजर नेम फिल कर लेना है, जो आपने पासवर्ड क्रिएट किया था वो पासवर्ड फिल कर लेना है, कैप्चा फिल कर लेना है और फिर लॉगिन के उसमें क्लिक करना है। लॉगिन के ऑप्शन में क्लिक करते ही हम नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे, जहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन मिल जाएगी जिसको आप रीड कर सकते हैं। इसके बाद हमें स्क्रॉल अप करके टर्म्स एंड कंडीशंस एक्सेप्ट कर लेना है और फिर सबमिट के उसमें क्लिक करना है। क्लिक करते ही हम देखिए डैशबोर्ड पे जाएंगे, जहाँ पे देखिए आपको अपने एडमिशन फॉर्म को फिल करने के लिए 8 स्टेप यहाँ पे कंप्लीट करने होते हैं, जिसमें आपका पहला स्टेप आएगा पर्सनल डिटेल, प्रोग्राम डिटेल, क्वालिफिकेशन डिटेल, कोर्स डिटेल, कॉरेस्पॉन्डेंस डिटेल, अपलोड और प्रीव्यू और फी का ऑप्शन। तो यहाँ पे सबसे पहले ऑप्शन मिलता है हमें पर्सनल डिटेल का। तो पर्सनल डिटेल के अंदर देखिए सबसे पहले आपको करना क्या है, आपको यहाँ पे अपनी डिटेल फिल करनी है। सबसे पहले स्टूडेंट का नेम पहले से यहाँ पे फिल रहेगा, मदर्स नेम फिल कर लेना है। इसके बाद गार्जियंस नेम में आप हस्बैंड नेम या फादर्स नेम यहाँ पे फिल कर सकते हैं। इसके बाद उसमें मिलता है डेट ऑफ बर्थ, तो यहाँ पे एप्लीकेंट की डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेनी है। कैटेगरी क्या है आपकी, जनरल कैटेगरी है, एससी, एसटी, ओबीसी या फिर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है, जो भी आपकी कैटेगरी आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। जेंडर क्या है, मेल या फीमेल, वो यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। सिटीजनशिप इंडियन सेलेक्ट रहेगी हमारी यहाँ पे। इस पर टेरिटरी एरिया, तो आप रूरल एरिया से बिलोंग करते हैं, अर्बन एरिया से बिलोंग करते हैं, ट्राइबल एरिया से बिलोंग करते हैं, तो जो भी आपका एरिया है वो आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। अगर आप गांव साइड से बिलोंग करते हैं तो रूरल सेलेक्ट कीजिए, सिटी साइड से आप बिलोंग करते हैं तो अर्बन सेलेक्ट कीजिए। तो यहाँ पे मैं अपना अर्बन सेलेक्ट कर लेता हूँ। एरिया माइनॉरिटी कैंडिडेट हैं आप तो येस कीजिए, अदरवाइज नो कीजिए। साथ में होता है रिलीजन का, तो आपको जो भी रिलीजन है हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, वो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। मैरिटल स्टेटस क्या है आपका, सिंगल है या मैरिड है, वो सेलेक्ट कर लीजिएगा। सोशल स्टेटस क्या है, आप कश्मीरी माइग्रेंट है या एक्स सर्विस मैन है, वो सेलेक्ट कर लीजिए, अदरवाइज आप यहाँ पे सेलेक्ट कीजिएगा नॉट एप्लीकेबल। इसके बाद मिलता है ईमेल एड्रेस पहले से फिल रहेगा, अल्टरनेट ईमेल एड्रेस को आप स्किप कर दीजिएगा। मोबाइल नंबर पहले से ही फिल रहेगा, अल्टरनेट मोबाइल नंबर को यहाँ पे स्किप कर दीजिएगा।
सेट ऑप्शन मिलता है अदर डिटेल का, तो अगर आप जो एप्लीकेंट है वो डिसेबिलिटी एप्लीकेबल पर्सन है तो येस कीजिए, अदरवाइज नो कीजिए। अगर येस कीजिए तो उसकी आप डिसेबल कितने परसेंट है वो आपको सिलेक्ट कर लीजिएगा, तो ये ऑप्शन मैं यहाँ पे नो करता हूँ। साथ में ऑप्शन मिलता है एम्प्लॉयमेंट स्टेटस, तो अगर आपका स्टेटस आप वर्किंग है तो आप एम्प्लॉयड सेलेक्ट कीजिए, अगर आप वर्क नहीं करते तो आप अनएम्प्लॉयड सेलेक्ट कर लीजिएगा। जो भी ऑप्शन आपको अवेलेबल है आप देख लीजिए, इस हिसाब से आप सेलेक्ट कीजिएगा। साथ में ऑप्शन मिलता है स्कॉलरशिप डिटेल, इस ऑप्शन को अभी आप यहाँ पे स्किप कर दीजिएगा, जब आपका एडमिशन कंफर्म हो जाएगा उसके बाद ही आप इस ऑप्शन को फिल कीजिएगा, अपना एडमिशन फॉर्म में जो स्कॉलरशिप फॉर्म को फिल कीजिएगा। तो इसके बाद आपको सबमिट ऑप्शन में क्लिक करना है, क्लिक करते जो आपकी डिटेल है आपके सामने शो हो जाएगी, तो आप एक बार डिटेल चेक कर लीजिएगा पर्सनल डिटेल, अगर कोई डिटेल है मिस्टेक हो चुकी है तो आप अभी एडिट कर सकते हैं, अदरवाइज सारी डिटेल सही है तो नेक्स्ट ऑप्शन क्लिक करना है। क्लिक करते ही हम सेकंड स्टेप पर जाएंगे जो कि रहेगा हमारा प्रोग्राम का स्टेप। तो यहाँ पे देखें हम पीजी के लिए अपना एडमिशन फॉर्म फिल कर रहे हैं, तो हमें ऑप्शन मिलता है प्रोग्राम डिटेल के अंदर प्रोग्राम टाइप का, तो यहाँ पे प्रोग्राम टाइप के अंदर आपको सेलेक्ट कर लेना है मास्टर के ऑप्शन को। इसके बाद मोड ऑफ स्टडी हमारी रहेगी ODL, वो आपको सेलेक्ट कर लेना है। साथ में प्रोग्राम फॉर एनरोलमेंट, कौन सा प्रोग्राम करना चाहते हैं आप मास्टर के अंदर, वो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो यहाँ पे आपको MA, MCOM, MSc जो भी प्रोग्राम आपको करना है वो सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं एडमिशन फॉर्म फिल कर रहा हूँ MBA प्रोग्राम के लिए, तो यहाँ पे देखिए MBA प्रोग्राम के भी काफ़ी सारे सब्जेक्ट मिल जाएंगे, नॉर्मल MBA का भी ऑप्शन आपको भी देखने को मिल जाएगा। तो जो भी ऑप्शन आपको सेलेक्ट करना है, जो भी प्रोग्राम का एडमिशन आपको फॉर्म फिल करना है वो फिल कर सकते हैं। तो यहाँ पे सिर्फ मैं नॉर्मल MBA का एडमिशन फॉर्म फिल कर रहा हूँ, आप अपने हिसाब से अपना प्रोग्राम सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो मैं अपने यहाँ पे प्रोग्राम सेलेक्ट कर लेता हूँ, प्रोग्राम सेलेक्ट करने के बाद हमें रीजन कोड ऑफ एडमिशन सेलेक्ट कर लेना है, किस रीजन के अंदर आपको एडमिशन लेना है वो रीजन यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। साथ में जो रीजन आप सेलेक्ट करेंगे उसके अंदर जितने भी अवेलेबल कॉलेज हैं, जो स्टडी सेंटर आप कोड के अंदर आपको शो करेंगे उसमें से किसी एक स्टडी सेंटर कोड को आप सेलेक्ट कर लेना, हो सकता है एक स्टडी सेंटर भी आप कोड यहाँ पे शो कर सकता है। तो आपको अपना स्टडी सेंटर कोड सेलेक्ट कर लेना है जिस पे आपको स्टडी करनी है जाके, साथ ही जो आपका असाइनमेंट वगैरह सबमिट होगा इस स्टडी सेंटर पे आपको सबमिट होगा। तो साथ में ऑप्शन मिलता है यहाँ पे मीडियम का, तो आपको किस मीडियम में यहाँ पे अपना स्टडी करना है, जो कि एक ही मीडियम रहेगा इंग्लिश, वो सेलेक्ट कर लीजिएगा। साथ में अगर आपने UG भी अपना यूनिवर्सिटी से किया हुआ है तो इस ऑप्शन को हमें यहाँ पे येस करना है, अदरवाइज नो रखना है। तो इसके बाद हमें सबमिट ऑप्शन में क्लिक करना है, क्लिक करते ही हमारी प्रोग्राम डिटेल शो करेगी, एक बार चेक कर लेना है और फिर नेक्स्ट ऑप्शन क्लिक करना है। क्लिक करते ही हम आ जाएंगे क्वालिफिकेशन डिटेल के ऑप्शन पे, तो देखिए यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है रिलेवेंट क्वालिफिकेशन, जो कि आपको सेलेक्ट कर लेना है इसमें ऑप्शन ग्रेजुएशन और इक्विवेलेंट। इसके बाद आपको एक सब्जेक्ट सेलेक्ट कर लेना है जो आपने कभी स्टडी किया होगा, वो एक सब्जेक्ट आपके यहाँ पे सेलेक्ट है जो कि मैंडेटरी है। साथ में ईयर ऑफ पासिंग सेलेक्ट कर देना है आपको अपना, किस ईयर में आपने ग्रेजुएशन पास किया हुआ है, तो यहाँ पे आपको बेसिकली ग्रेजुएशन की डिटेल यहाँ पे फिल करनी होती है। इसके बाद डिवीजन क्या आई है आपके ग्रेजुएशन के अंदर, फर्स्ट सेकंड थर्ड, वो सेलेक्ट कर लीजिएगा। परसेंटेज क्या आई है आपको वो सेलेक्ट कर लीजिएगा। ऑप्शन मिलता है आपको बोर्ड कोड का, तो देखिए यहाँ पे जो बोर्ड कोड मिलते हैं यहाँ पे आपको 10+2 के आपको बोर्ड कोड देखने को मिलते हैं, लेकिन आपको यहाँ पे यूनिवर्सिटी की डिटेल देनी होती है, यूजी की डिटेल देनी होती है। तो आपको लास्ट ऑप्शन मिलता है नोट लिस्ट इन दिस लिस्ट, की सबसे लास्ट में आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा, इसे आपको सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करते ही आपके सामने एक ऑप्शन होगा जिसमें आपको यूनिवर्सिटी का नेम मेंशन कर देना है, तो आपने यूजी किस यूनिवर्सिटी से की है उसका नेम आपको यहाँ पे मेंशन कर देना है। साथ में ऑप्शन मिलता है बोर्ड रोल नंबर या फिर यूनिवर्सिटी का एनरोलमेंट नंबर, तो आपको अपने यहाँ पे यूनिवर्सिटी का एनरोलमेंट नंबर मेंशन कर देना है। ये ऑप्शन मैंडेटरी नहीं है, इसको आप स्किप करना चाहिए, स्किप कर सकते हैं। बाकी दो ऑप्शन को भी यहाँ पे आप स्किप कर दीजिएगा और फिर सबमिट के ऑप्शन में क्लिक कीजिएगा। क्लिक करते ही आपकी क्वालिफिकेशन डिटेल आपके सामने शो हो जाएगी, इसको एक बार चेक कर लीजिएगा, डिटेल सारी सही है तो आपको नेक्स्ट ऑप्शन क्लिक करना है। क्लिक करते ही हम नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे जो कि रहेगा हमारा कोर्स सिलेक्शन का स्टेप। तो यहाँ पे हमने कोर्स सिलेक्ट किया है मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेटर MBA, नॉर्मल हमने MBA का ऑप्शन सेलेक्ट किया है। आपका जो भी प्रोग्राम हमने सेलेक्ट किया शो कर जाएगा, सामने उसमें मिलता है स्टडी मटेरियल का। तो देखिए दोस्तों, अगर आपको आपका स्टडी मटेरियल सॉफ्ट कॉपी में या डिजिटल फॉर्म में चाहिए तो आपको फर्स्ट ऑप्शन सेलेक्ट करना है, जिसके लिए आपको 15% डिस्काउंट मिलेगा आपकी प्रोग्राम फीस में। साथ में अगर आपको अपना स्टडी मटेरियल प्रिंटेड फॉर्म में या फिर आपको बुक्स वगैरह चाहिए तो आपको सेकंड ऑप्शन सेलेक्ट करना है, जो कि ऑलरेडी आपका सेलेक्ट रहेगा। हो सकता है कुछ टाइम बाद आपको ये ऑप्शन देखने को ना मिले, अगर आपको ऑप्शन देखने को नहीं मिल रहा है तो आपका क्या रहेगा, जो आपको स्टडी मटेरियल है वो प्रिंट फॉर्म में ही आपको रिसीव होगा। आते ही यहाँ पे आपको कोर्स सिलेक्शन का ऑप्शन देखने को मिलता है, तो हमें यहाँ पे सेमेस्टर 1 का ऑप्शन देखने को मिलता है। जब भी आप MBA का प्रोग्राम का यहाँ पे एडमिशन फॉर्म फिल करेंगे तो सिर्फ आप सेमेस्टर 1 का यहाँ पे फ्रेश एडमिशन फॉर्म फिल करेंगे, सेमेस्टर 2 के लिए आपको रजिस्ट्रेशन करना होता है। तो यहाँ पे सिर्फ हमें सेमेस्टर 1 के जो कोर्स के सब्जेक्ट हैं प्रोग्राम के वो शो करेंगे, जो कि सारे हमारे कंपलसरी से यहाँ पे सब्जेक्ट हैं, टोटल 7 सब्जेक्ट हम यहाँ पे शो कर रहे हैं। तो आप यहाँ पे अपने सब्जेक्ट चेक कर लीजिएगा, जो भी आप MBA प्रोग्राम का यहाँ पे एडमिशन फॉर्म फिल कर रहे हैं वो आप यहाँ पे चेक कर लीजिएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, सबमिट ऑप्शन में क्लिक करना है।
क्लिक करते ही हमें कोर्स की डिटेल यहाँ पे शो करेगी, इसमें आपके टोटल क्रेडिट कितने हैं वो मेंशन होगा। तो आपको एक बार कोर्स की डिटेल चेक कर लेनी है, डिटेल चेक करने के बाद हमें नेक्स्ट में क्लिक करना है। क्लिक करते हम नेक्स्ट स्टेप पे आ जाएंगे, जो कि रहेगा हमारे यहाँ पे एड्रेस डिटेल फिल करनी होती है। तो हमें यहाँ पे अपनी प्रेजेंट एड्रेस डिटेल यहाँ फिल करनी होती है। इसी एड्रेस पे बाई पोस्ट जो आपका प्रिंटेड डॉक्यूमेंट है यानी बुक्स वगैरह आपकी सेंड की जाएगी। तो यहाँ पे सबसे पहले एड्रेस लाइन वन एड्रेस लाइन टू के अंदर अपनी एड्रेस डिटेल फिल कर देनी है, सिटी का नेम मेंशन कर देना है, अपना पिन कोड मेंशन करना है जहाँ पे भी रहते हैं। पिन कोड मेंशन करने के बाद जो आपके एरिया के आसपास जो पोस्ट ऑफिस के हैं वो आपको शो करेंगे, तो आप नियर बाई जो पोस्ट ऑफिस है उसको आप सेलेक्ट कर लीजिएगा और फिर स्टेट और डिस्ट्रिक्ट अपने आप फिल हो जाएंगे। इसके बाद हमें नेक्स्ट को सबमिट पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही हमारी एड्रेस डिटेल शो करेगी, बस चेक कर लीजिएगा एड्रेस डिटेल, अगर सारी डिटेल सही है तो हमें नेक्स्ट क्लिक करना है। क्लिक करते हम नेक्स्ट स्टेप पर जाएंगे, जो कि रहेगा हमारा अपलोड का स्टेप। तो यहाँ पे हमें अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करने होते हैं। डॉक्यूमेंट जो अपलोड करने हैं यहाँ पे हमें अपलोड करने होते हैं पीजी प्रोग्राम के लिए फोटो सिग्नेचर 10-12 की मार्कशीट ग्रेजुएशन की मार्कशीट साथ में ग्रेजुएशन का ओरिजिनल सर्टिफिकेट या फिर जो डिग्री सर्टिफिकेट वो यहाँ पे अपलोड करना होता है। बात करते हैं अगर आपके पास डिग्री सर्टिफिकेट नहीं है अभी या ओरिजिनल सर्टिफिकेट नहीं है तो इस केस में आप फाइनल ईयर की जो मार्कशीट है आपकी ग्रेजुएशन की वो यहाँ पे आप अपलोड कर सकते हैं। साथ में जो मार्कशीट होती है ग्रेजुएशन की उसमें भी आप फाइनल ईयर की मार्कशीट ही अपलोड कीजिएगा, उसकी स्कैन कॉपी यहाँ पे अपलोड होगी आपकी। बात करते हैं यहाँ पे साइज क्या रखना है। फोटो सिग्नेचर साइज रखना है आपको मिनिमम 10 KB, मैक्सिमम 100 KB रखना है और फॉर्मेट रहेगा JPEG रहेगा साथ में। तो हमारे डॉक्यूमेंट अदर डॉक्यूमेंट में 10th की मार्कशीट 12th की मार्कशीट ग्रेजुएशन की मार्कशीट और सर्टिफिकेट, उसका जो फॉर्मेट रहने वाला है वो JPEG PDF रहेगा। साइज आपको मिनिमम 10 KB से लेकर 200 KB के बीच में आपको फाइल अपलोड कर लेनी है। तो जल्दी से मैं सिलेक्ट फाइल के उसमें क्लिक करके अपनी सारी फाइल यहाँ पे अपलोड कर लेता हूँ। फाइल अपलोड होने के बाद देखिए अब हमें यहाँ पे नेक्स्ट उसमें क्लिक करना है। क्लिक करते ही हम 7th स्टेप पे आ जाएंगे, जहाँ पे आपने अब तक 6 स्टेप जो कंप्लीट किए थे उसकी डिटेल मेंशन की जाएगी। तो 1 by 1 करके आपको अपनी यहाँ पे डिटेल चेक कर लेनी है। अगर डिटेल में कोई मिस्टेक हो गई है तो मॉडिफाई दिस सेक्शन उसमें क्लिक करके आप उस सेक्शन में जाके उस चेंजेस कर सकते हैं। अदरवाइज आपकी सारी डिटेल सही है तो स्क्रॉल करना है और आ जाना है फिर डिटेल के स्टेप पे। तो देखिए यहाँ पे जो हमारी MBA की एक सेमेस्टर की यहाँ पे फीस जो यहाँ पे शो कर रही है वो है प्रोग्राम फीस शो कर रही है 15,500 रुपये, साथ ही डेवलपमेंट भी और यहाँ पे रजिस्ट्रेशन फीस 200 और 300 रुपये शो कर रही है। बात करते हैं अगर आपको फी डिटेल चेक करनी है तो आपको जाना है प्रोग्राम इन्फॉर्मेशन के अंदर, वहाँ पे सर्च कर लेना है MBA प्रोग्राम को और देखिए फी डिटेल में हमें शो कर जाएगा जो 15,500 रुपये फीस है हमारी एक सेमेस्टर की है, जिसमें 15,500 रुपये आपको फर्स्ट सेकेंड और फोर्थ सेमेस्टर के लिए देना होगा। 17,500 रुपये आपके थर्ड सेमेस्टर की फीस रहने वाली है, तो फीस स्ट्रक्चर आप चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो हमारी फर्स्ट सेमेस्टर की फीस हो कर रही है उसको कर रही है 15,500 रुपये, जिसमें 200 और 300 रुपये आपको डेवलपमेंट फी और रजिस्ट्रेशन फी देनी होगी। टोटल जो हमें फीस हो कर रही है यहाँ पे वो शो कर रही है 16,000 रुपये फीस हमें पे करनी है फर्स्ट सेमेस्टर के लिए अपने MBA के एडमिशन फॉर्म के लिए। तो यहाँ पे फीस को पे करने के लिए हमें एग्री उसमें क्लिक करना है और फिर एक्सेप्ट एंड प्रोसीड फॉर पेमेंट उसमें क्लिक करना है। क्लिक करते हैं हम पेमेंट पेज पर आ जाएंगे। यहाँ पे देखिए आपको पेमेंट की डिटेल शो करेगी, साथ में यहाँ पे देखिए आपको गेटवे देखने मिलता है पेमेंट करने के लिए। तो यहाँ पे अभी हमें शो कर रहा है पेमेंट गेटवे 1। जब आप आगे फॉर्म फिल करते रहेंगे टाइम बढ़ता जाएगा, यहाँ पे आपको दूसरा गेटवे भी देखने को मिल जाएगा। तो आप किसी भी गेटवे के उसमें क्लिक करके पेमेंट गेटवे के उसमें क्लिक करके आप पेमेंट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे पेमेंट गेटवे 1 के उसमें क्लिक करके अपनी पेमेंट कर लेता हूँ। क्लिक करने के बाद देखिए हम पेमेंट पेज पर जाएंगे, जहाँ पे आप नेट बैंकिंग क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड के थ्रू अपनी पेमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं अपनी पेमेंट कर लेता हूँ। अब बात करता हूँ यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ, जो आप पेमेंट करेंगे यहाँ पे वो आप अपने नेट बैंकिंग से या फिर क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड से करेंगे, क्योंकि अगर आप मान लीजिए कैंसिल कराते हैं अपने एडमिशन को जो आपका रिफंड होता है आपका पेमेंट वो सेम मेथड के जो भी आपका क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड नेट बैंकिंग के मेथड में ही जाएगा। मान लीजिए आपने कैफे से फॉर्म फिल कराया और आपने कैफे वाले से ही पेमेंट करा दी, तो इस केस में जो आपकी फीस रिफंड होगी एडमिशन कैंसिलेशन प्रोसेस के बाद वो सेम उसी के अकाउंट में जाएगी और कैफे वाले बोलते हैं कि हमें अब तक फीस रिफंड नहीं हो, आप चक्कर काटते रहेंगे। तो आप अपने क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड या नेट बैंकिंग से ही फी पेमेंट किया जाएंगे अगर आप कैफे से फॉर्म फिल करा रहे हैं। तो जल्दी से मैं अपने यहाँ पे पेमेंट कर लेता हूँ। पेमेंट कंप्लीट होने के बाद आपके सामने फाइनल प्रिंट जनरेट हो जाता है, जिसका आपको प्रिंट आउट निकाल के अपने पास सेव रख लेना है। तो ये आपका फाइनल प्रिंट रहेगा, इसमें सबकी डिटेल मेंशन होगी, आपकी फीस की डिटेल मेंशन होगी। अब आपको वेट करना है 7 days का। विदिन 7 days के अंदर अगर आपके सारे डॉक्यूमेंट सही हैं आपकी डिटेल सही हैं तो 7 days के अंदर आपका एडमिशन कन्फर्म हो जाता है और SMS के थ्रू और मेल के थ्रू आपको इन्फॉर्म कर दिया जाता है कि आपका एडमिशन कन्फर्म हो गया है और उस मैसेज के अंदर आपका एनरोलमेंट नंबर कंट्रोल नंबर और आपकी सारी डिटेल मेंशन होती है। साथ में उसी डिटेल से आप अपना ID कार्ड भी डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों बात करते हैं, आपने फी पेमेंट कर दी है और लेकिन आप अपना फाइनल प्रिंट डाउनलोड नहीं कर पाए हैं, तो इस केस में आपको करना क्या है, आपको दोबारा से पोर्टल पे आना है, दोबारा से लॉगिन करना है अपनी डिटेल से। लॉगिन करने के बाद देखिए आप डैशबोर्ड पर जाएंगे। इस बार आपको जाना है माय एप्लीकेशन के ऑप्शन पे, इस ऑप्शन में क्लिक करते ही आपके
कोर्स की डिटेल आपको शो कर जाएगी। इसमें आपका प्रोग्राम का नेम, कॉलेज का नेम, रीजनल सेंटर, स्टडी सेंटर, कंट्रोल नंबर मेंशन रहेगा। साथ में ऑप्शन मिलता है प्रिंट पेमेंट एक्नॉलेजमेंट स्लिप। इस ऑप्शन पे क्लिक करके आप अपनी पेमेंट जो स्लिप है उसको यहाँ पे प्रिंट कर सकते हैं। साथ में उसमें मिलता है प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म। इस ऑप्शन में आप क्लिक करके आप अपना फाइनल प्रिंट यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं, उसको प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। साथ में देखिए जो एडमिशन स्टेटस है हमारा, अभी यहाँ पे फ्रेश एप्लीकेशन है और आईडी कार्ड अभी हमारा जनरेट नहीं हुआ है क्योंकि अभी हमारा एडमिशन कंफर्म नहीं हुआ है। जब आपका एडमिशन कंफर्मेशन मैसेज आपको आ जाएगा तो आप दोबारा लॉगिन करके चेक करेंगे तो आपको शो करेगा यहाँ पे तो एडमिशन का प्रोसेस है वो हमारा यहाँ पे एडमिशन स्टेटस एडमिशन कंफर्म हमें शो करेगा और हम यहाँ से अपना आईडी कार्ड भी डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड आईडी कार्ड उसमें क्लिक करके आप अपना आईडी कार्ड भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप इग्नू यूनिवर्सिटी के अंदर जुलाई 2022 सेशन का एडमिशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। कैसे आपको एडमिशन फॉर्म फिल करना है, ए टू जेड जानकारी मैंने आपको इस वीडियो में शेयर कर दी है। थैंक यू।